the table given below shows the production of maize by 5 different states as a percentage of total production. each state produces only maize and rice. there are 3 types of rice, r1, r2, r3. the table also shows the r1 type of rice produced as a percentage of total rice production and the ratio of r2 and r3 type of rice. total production by each state is 6 25,000. तो मैं पहले देखिए इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ और डी के क्वेश्चन में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा पहला तो ये कि डी के क्वेश्चन में जब भी परसेंटेजेस दिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज तो हमें ये देखना होता है कि उन परसेंटेजेस के बेसिस क्या हैं क्या वो सेम है या नहीं है ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये पहली चीज़ आइडेंटिफाई करनी है आपको ये राज्य हैं स्टेट्स दिए हुए हैं टेंशन नहीं होनी चाहिए ये कह रहा है कि हर राज्य या तो मेज़ प्रोड्यूस कर रहा है मक्का या फिर राइस प्रोड्यूस कर रहा है चावल ये दो ही चीज़ें प्रोड्यूस करता है इस लाइन का क्या मतलब है इस लाइन का मतलब ये है कि इन्होंने अगर मुझे स्टेट एच में मेज प्रोडक्शन दिया थर्टी टू परसेंट इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग सिक्सटी एट परसेंट जो है वो चावल का प्रोडक्शन है राइस का प्रोडक्शन है इस स्टेट में यानी इस वैल्यू से मुझे राइस का परसेंटेज टोटल मिल जाएगा वो लिखा नहीं है इन्होंने बट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा मुझे मालूम है फिर देखिए ये जो दिया है वैल्यू इसको भी इन्होंने बोला है परसेंटेज है कि द टेबल आल्सो शोज द आर वन टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड एज प्रोड्यूस परसेंटेज ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन अब मैं फिर से एक सवाल पूछता हूं आपको कि ये जो सिक्सटी है परसेंटेज ये इसका बेस क्या है हर परसेंटेज का बेस पूछना पहले कौन हो तुम क्या बेस है तुम्हारा जैसे मैं आपका नाम बोलू रमेश तो रमेश तो दुनिया में बहुत होंगे ठीक है रमेश दुनिया में तो बहुत होंगे तो आपको यूनिकली लोकेट नहीं कर सकते आपको बताना पड़ेगा कि आपका स्टेट क्या है कंट्री क्या है स्टेट क्या है डिस्ट्रिक्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट में तहसील क्या है ब्लॉक क्या है गांव क्या है घर का नंबर क्या है हाउस नंबर तो आप यूनिकली लोकेट हो पाओगे इस तरह परसेंटेज का जो सिंबल होता है ना उसका बेस पता होना चाहिए आपसे मैं बोलूँ कि सिक्सटी फाइव परसेंट प्लस थर्टी फाइव परसेंट क्या होता है मत बोल देना हंड्रेड परसेंट वरना अगर मेरी तरह टीचर होगा तो वो कहेगा ये सरासर गलत है क्यों गलत है किसने बताया आपको कि दोनों का परसेंटेज सेम है बेस सेम है नहीं है देखिए पैंसठ प्लस पैंतीस सौ होता है ये हंड्रेड होता है ये मैं भी गलत नहीं कह पाऊंगा लेकिन ये मैं तो गलत कह दूंगा क्योंकि बेस जब तक पता नहीं कि सेम है आप इसको हंड्रेड परसेंट नहीं लिख सकते हो परसेंटेज सिंबल बिल्कुल एक तरह दिखता है बट इसका ये मतलब नहीं होता कि दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई सिक्सटी ऑफ हंड्रेड हो सकता है बेस पे और मे बी थर्टी फाइव परसेंट जिसकी बात कर रही है वो ऑफ टू होता है टू हंड्रेड बेस पे हो तो इसको जोड़ के क्या आप 100% लिख दोगे नहीं गलत है तो इसलिए बेस का आइडिया होना बहुत जरूरी है और बहुत लोग इसीलिए स्ट्रगल करते हैं उनको बेस समझ में नहीं आता है अब यहां जरा ध्यान से देखो कि पहला वाला जो परसेंटेज दिया हुआ था ना ये सारे परसेंटेज थर्टी टू परसेंट सिक्सटी टू परसेंट फिफ्टी टू परसेंट फिफ्टी टू सेवेंटी फोर इन सारे परसेंटेज का बेस क्या है आप कहोगे इसका बेस है कि उस राज्य में टोटल प्रोडक्शन कितना है लेकिन इस क्वेश्चन में जो टोटल प्रोडक्शन हर एक राज्य का है वो 6 लाख पच्चीस हजार है इसका मतलब हर एक राज्य का टोटल क्या है सेम है तो टोटल अगर हर राज्य का सेम है इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे परसेंटेजेस का बेस सेम है मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एच और आर का कंबाइंड प्रोडक्शन बता दो मेज का कितना है आपको पता है जब भी परसेंटेज के बेस सेम होते हैं तो उनको सिंपल नंबर की तरह ऐड किया जा सकता है ये बेनिफिट होता है बासठ और बत्तीस जोड़ लो कितना हो गया नाइन्टी अब नाइन्टी उठा के सीधा निकाल लो किसका सिक्स ट्रिपल जीरो का आंसर आ जाएगा इसलिए ये जानना जरूरी है लेकिन अगर टोटल प्रोडक्शन यहाँ का सेम नहीं होता ना तो इनको ऐसे नंबर को जोड़ नहीं पाते हम लोग ठीक है पहली चीज अब ध्यान से देखना मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बता दो कि आर वन जो दिया है सिक्सटी परसेंटेज उसका बेस क्या है उसका बेस सर है राइस टोटल यानी ये जो आर वन दिया है साठ परसेंट अगर मैं आपसे एक सवाल अभी यही पूछूं कि मुझे बता दो कि स्टेट एच का जो आर वन राइस प्रोडक्शन है स्टेट एच का जो आर वन राइस प्रोडक्शन है वो स्टेट एच के टोटल मेज प्रोडक्शन का मेज प्रोडक्शन का कितना डिफरेंस है दोनों का अब आप अगर आपने उठा के ये लिख दिया कि 60 परसेंट माइनस थर्टी टू परसेंट इज इक्वल टू ट्वेंटी एट परसेंटेज क्या हो गया पता है सरासर गलत है और फिर आपने 28 परसेंट निकालने की कोशिश करी सिक्स टू फाइव ट्रिपल ज़ीरो तो ये जो ट्रिक्स आप पढ़ते हो ना वो उन्हीं की उन्हीं की देन है ना कि आप चीज़ें समझते नहीं कभी आपको कोई कुछ बताया रट लिया ट्रिक समझ के रट लिया रट लिया रट लिया रटना नहीं है समझना है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना सर सिक्सटी परसेंटेज इसका बेस क्या है इसका बेस है कितना टोटल राइस है उसका और इसका बेस क्या है कि कितना टोटल प्रोडक्शन है उसका आपको समझ में आया कि नहीं इसका बेस अलग है इसका बेस अलग है तो ऐसे नहीं घटा सकते तो मैं पूछूंगा आप बताओ आप क्या कि क्या मैं बेस बराबर कर सकता हूं बिल्कुल कर सकते हो आप कैसे जरा देखो ये जितना टाइम में लगा रहा हूं ना मैं चाहता हूं कि आप डी में इस एक सवाल से ही बहुत कुछ सीख लो ना पूरा सेट सॉल्व करना मेरे लिए कुछ मिनटों का खेल है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझो पहले तो ये वैल्यू आपकी आ गई 68 अब इस 68 परसेंटेज को अगर मैं लिखूं तो इसका बेस क्या है टोटल प्रोडक्शन क्योंकि ये तो 100 परसेंट माइनस बत्तीस परसेंट करके निकाला है लेकिन आर्बन जो राइस है वो 60 परसेंट ऑफ दिस 68 परसेंटेज है तो मैं अगर चाहूं तो ये वाला जो मेरे पास सिक्सटी परसेंटेज है ऑफ सिक्सटी परसेंटेज अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको टोटल का कितना परसेंटेज है उसमें निकाल सकता हूं मतलब इसका बेस जो है ना मैं इसको कैलकुलेट करके लिख सकता हूं ऑन ए टोटल वैल्यू कैसे आप जरा ध्यान से देखो इस परसेंटेज सिंबल को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और आप सिक्सटी परसेंट निकाल लो सिक्सटी एट का आप सिक्सटी परसेंट कैसे निकालते हो किसी भी नंबर का पचास परसेंट और दस परसेंट निकाला करिए हमेशा पचास परसेंट होता है उस नंबर का आधा और दस परसेंट क्या होता है एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना तो सिक्सटी एट नंबर का ये परसेंटेज सिंबल भूल जाओ मैं करूँ सिक्सटी एट नंबर का पचास परसेंट कितना हो जाएगा आप कहोगे थर्टी फोर और टेन परसेंट कितना हो जाएगा सिक्स पॉइंट एट सम कितना आ गया फोर्टी पॉइंट एट अब ये वाला परसेंटेज सिंबल मैं वापस लगा दे रहा हूँ आपको पता है कि जो साठ परसेंट था इस सिक्सटी एट का वो इक्विवेलेंट है फोर्टी पॉइंट एट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन क्योंकि अब यहाँ पर मैंने ये वाला परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया मैंने सिर्फ ये वाला परसेंटेज सिंबल छोड़ा तो मतलब मैंने कन्वर्ट कर लिया इस राइस परसेंटेज को टोटल प्रोडक्शन पे और इसलिए अब क्या होगा अब अगर आप मुझसे पूछ लो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे राइस टाइप वन का डिफरेंस चाहिए राइस टाइप वन का डिफरेंस चाहिए मेज़ का एच स्टेट के लिए तो आप कहोगे फोटी पॉइंट एट माइनस थर्टी टू मुझे निकालना है जो कि होगा एट पॉइंट एट परसेंटेज इस परसेंटेज का बेस क्या है टोटल प्रोडक्शन यानी एट पॉइंट एट इंटू सिक्स ट्वेंटी फाइव ज़ीरो ज़ीरो तीन बार और यहाँ पर आप लिख लो परसेंटेज सेंपर हो गया ये आंसर तो देखिए सारे परसेंटेज का बेस अगर सेम हो सकता है इससे अच्छा कुछ नहीं क्योंकि जो भी आपका थोड़ा बहुत टाइम जाएगा वो पहले टेबल में कैलकुलेशन में जाएगा उसके बाद जो सवाल बचेंगे उसमें कुछ नहीं होगा वो टेबल देखो और मार्क करो टेबल देखो मार्क करो ठीक है तो अब मुझे ये देखना है कि इसमें देखिए किस तरह के सवाल इन्होंने पूछे हैं ये बहुत जरूरी है कि हमें कितना कैलकुलेशन करना है अगर इन्होंने लेट से आर टू ऑफ टाइप एच को रिलेट कर दिया आर थ्री ऑफ टाइप एस उसका डिफरेंस पूछ लिया हमसे तो इसका मतलब क्या है कि रैंडमली वो किसी वैल्यू को उठा के क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम में फिर कैलकुलेशन को थोड़ा इस टेबल को पूरा भरना पड़ेगा और वो ज्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि टेबल एक बार भर गई ना तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं अब मैं आपको बताऊंगा टेबल भरने में कुछ दम नहीं होता है तो पहले देखते हैं जरा यहाँ पर देखो स्टेट एक्स का आर और आर स्टेट एच का अलग अलग स्टेट के राइस के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज का डिफरेंस पूछा इन्होंने फिर देखो यहाँ पर सम ऑफ एक्स और टी और आर का एस और आर से ठीक है सम ऑफ मेज का एक्स और टी और R2 टू टाइप के राइस का ऐसा और आर से देखिए यहां से हिंट लगना चाहिए कि वो R2 की अलग वैल्यू चाह रहे हैं ठीक है यहां पर देखो आर थ्री के लिए बस बहुत है इसका मतलब अलग अलग स्टेट की वो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें वैल्यूज को उठा रहे हैं R2 R3 यानी भैया मुझे सब कुछ एब्सोटली निकालना पड़ेगा ऑन द सेम बेस अगर हम निकाले जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है तो मैं जरा इस टेबल को ना कंप्लीट करता हूँ आपके सामने और थोड़ा ध्यान से इसको समझना मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लूँ ताकि आपको ये अंक भी सही से दिखाई दें ठीक है तो अब जरा मैं इस टेबल को फटाफट कैल कम्प्यूट करता हूँ और एक बार आप समझ गए तो आपको जीवन में कभी तकलीफ़ नहीं होगा अब देखिए मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ मैं ज़रा टेबल को एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसको इस तरह से एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसमें मैं ऐसे कॉलम बना रहा हूँ ये कॉलम क्या क्या है देखिए ये कॉलम है आर टू की एब्सोल्यूट वैल्यू ओरिजिनल परसेंटेज के टर्म में आर थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू ओरिजिनल परसेंटेज के टर्म में और यहाँ पर मैं लिखूंगा आर टू प्लस आर थ्री क्योंकि जब तक मुझे आर टू और आर थ्री का सम नहीं पता तब तक मैं उस रेशियो को यूज़ करके R2 और R3 थ्री के अगर अलग, अलग वैल्यूज़ नहीं निकाल पाऊंगा तो इसलिए मैंने लिख दिया है ठीक है ये मैंने टेबल बना दी ठीक ये लाइन थोड़ा सा सीधी कर देता हूँ और ऐसे करके है ना अब जरा मैं देखो कैसे करने जा रहा हूँ कैसे फटाफट करेंगे मैं एक कॉलम करके दिखाता हूँ एक रो करके दिखाता हूँ फिर बचेगा नहीं कुछ अगर आर वन की वैल्यू फोर्टी पॉइंट एट परसेंटेज आ गई टोटल का ठीक है ये भी सिक्सटी एट परसेंटेज क्या है टोटल का तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या देगा आर टू और आर थ्री कितना है भाई टोटल चावल अड़सठ परसेंट है जिसमें आर वन फोर्टी पॉइंट एट परसेंट है इनका डिफरेंस क्या देगा मुझे आर टू और आर थ्री का सम ठीक है कितना आर टू और आर थ्री क्योंकि तीन वराइटीज़ हैं चावल की तो इन दोनों का डिफरेंस जरा निकालिए आप चालीस दशमलव आठ और आपका ये सड़सठ का यारह है ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहा हूँ ये डेफिनेटली नहीं लगा रहा हूँ लेकिन ये ओवरऑल टोटल परसेंटेज का है क्योंकि यहाँ ये अड़सठ परसेंटेज है और इसी के बेस पे सब कैलकुलेट हुआ ठीक है ये आ गया अब जैसे आपको R2 और R3 का सम मिला 27.2 इसका रेशियो भी पता है आपको तो फिर R2 टू आर के अलग अलग वैल्यूज कैसे लिखेंगे देखो 6 और 11 का रेशियो है सत्ताईस दशमलव दो को 6 और 11 में बांटना है तो 6 और 11 का सम कितना होता है आप कहोगे 17 पार्ट होता है 17 पार्ट किसको को कर रहा है ट्वेंटी को तो आपको दिख जाएगा वन किसको करेगा? 1 को करेगा वन को ट्वेंटी सेवन पॉइंट होता है कैसे इतना जल्दी करोगे वन सेवेंटी प्लस वन जीरो टू है टेन टाइम्स और सिक्स टाइम्स सिक्सटीन टाइम्स लेकिन ये ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू है तो वन पॉइंट सिक्स हो गया मल्टीप्लायर अगर वन पॉइंट सिक्स आया तो हर एक पार्ट को अब वन पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करना है सोलह इंटू छः नाइन पॉइंट सिक्स सोला इंटू ग्यारह पॉइंट सिक्स बस इस तरह से सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी राइट यही काम करना है आपको सबके लिए करना है तो अब इसको फटाफट करते हैं ताकि आपको मतलब पता चले कि कैसे जल्दी जल्दी इसको करना है देखिए यहाँ भी साठ परसेंट निकालना है तो फिर से क्या करना है पहले तो ये वैल्यूज आप ये टेबल भर लो सिक्सटी एट है सौ और बच इसका सम सौ होना चाहिए जितना मेज़ है उसके बाकी जो बचेगा वो चावल होगा तो ये हो गया आपका थर्टी एट ये हो गया आपका फोर्टी एट ये हो गया आपका फोर्टी एट ये हो गया आपका ट्वेंटी सिक्स तो ये राइस परसेंटेज हो गए अब मैं ज़रा आर वन की वैल्यू निकालता हूँ सबके लिए आर वन की वैल्यू मैं निकालने जाऊँगा यहाँ सिक्सटी परसेंट तो क्या होगा फिफ्टी परसेंट प्लस टेन परसेंट फिफ्टी परसेंट आपका हो गया कितना नाइनटीन प्लस थ्री पॉइंट एट यानी ये कितना हो गया ट्वेंटी टू पॉइंट एट ठीक है नाइन्टीन प्लस वही तो करोगे ना आप थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही है तो मैं कलम की विथ बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए है ना तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ट्वेंटी टू पॉइंट एट क्या किया मैंने फिफ्टी परसेंट नाइनटीन प्लस टेन परसेंट थ्री पॉइंट एट ट्वेंटी टू पॉइंट एट यहाँ पर आ गया फोर्टी एट है और ये सिक्सटी परसेंट फिर से तो इसका फ़िफ्टी परसेंट निकालो आप कितना आएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और फोर पॉइंट एट तो ये हो गया आपका ट्वेंटी एट पॉइंट एट ये वैल्यू देखो 48 है और ये 55 परसेंट निकालना है मुझे तो 48 का 50 परसेंट निकालो कितना आ गया 24 और 5 परसेंट कितना होगा 2.4 तो ये हो गया आपका 26.4 तो ये कैलकुलेट करते हैं देखिए 80 परसेंट अगर 26 का निकालना है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो है ना तो ये हो गया आपका 160 सिक्सटी प्लस फोर्टी ये हो गया आपका ट्वेंटी ठीक है तो ये सारे परसेंटेज क्या हो गए आर का टोटल परसेंटेज पे बेस्ड अब हर वैल्यू से मुझे आर टू मिल जाएगा फटाफट कैसे मिलेगा देखो इनका जो वैल्यू है आर वन क्या है ट्वेंटी टू पॉइंट एट है टोटल क्या है थर्टी एट है राइस इनका डिफरेंस क्या देगा आर टू प्लस आर सिक्स जरा क्विकली निकालते हैं बाईस दशमलव आठ है ये अड़तीस है आपका ये आपका पंद्रह दशमलव दो हो गया ट्वेंटी एट पॉइंट एट है और ये आपका कितना है फोर्टी एट है तो ये नाइनटीन पॉइंट टू हो गया ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर और फोर्टी एट आपका कितना हो गया ये आपका हो गया ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स ट्वेंटी पॉइंट एट और ट्वेंटी सिक्स इसका डिफरेंस कितना हो गया फाइव पॉइंट टू अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इन रेशियोज में ध्यान से देखना नौ दस कितना हो गया उन्नीस पार्ट उन्नीस और ये वन फिफ्टी टू है आपका पॉइंट एट टाइम्स तो पॉइंट एट टाइम्स गया तो अब मैं इंडिविजुअली पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लायर मिल गया पॉइंट एट तो ये हो गया सेवन पॉइंट टू और ये आपका हो गया एट ठीक है फिर देखो ये वन नाइन्टी टू है और ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है एट तो ये ट्वेंटी फोर टाइम्स होता है टू पॉइंट फोर मल्टीप्लायर हो गया ट्वेंटी फोर टाइम्स जो एट होता है आपका ये आपका होता है वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी प्लस थर्टी टू है ना तो ये आपका होगा टू पॉइंट टाइम्स तो ये आपका हो गया 7.2 तो और ये हो गया आपका 12 2.4 से मल्टीप्लाई किया दोनों को फिर यहाँ पर वैल्यू आई 9 और ये आपका कितना है 216 तो ये भी आपका 9 इं ट्वेंटी ही होता है ठीक है कैसे किया मैंने 180 एटी प्लस ठीक है मैं कैलकुलेशन में थोड़ा क्विक हूँ मैं जितना लिख रहा हूँ अभी जिस स्पीड से, से ये मेरी बहुत स्लो स्पीड है क्योंकि मैं आपको समझाने पर भी जोर दे रहा हूँ वरना ये तो बहुत कम सेकेंड्स का, का काम है मेरे लिए ठीक है तो ये हो गया आपका टू पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका नाइन पॉइंट सिक्स और ये हो गया आपका ट्वेल्व ये हो गया आपका थर्टीन ये फाइव पॉइंट टू है पॉइंट फोर टाइम्स हुआ तो ये आपका वन पॉइंट टू आ गया और ये आपका आ गया फोर ठीक है अब देखिए ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर भर दी जब ये वैल्यूज भर गई ना अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें अब इस, इस कॉलम की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया और साथ में इस कॉलम में जो कुछ लिखा हुआ है आपका जो कुछ लिखा हुआ है उसका बेस क्या है अब उसका बेस है टोटल प्रोडक्शन यानी हर एक वैल्यू जो लिखी हुई है उसमें वन परसेंट इज इक्वल टू कितना होगा सिक्स टू फाइव जीरो क्योंकि हंड्रेड परसेंट है सिक्स टू फाइव ट्रिपल जीरो यानी कोई भी कॉलम की वैल्यू आप पकड़ लो और उसको सिक्स टू फाइव जीरो से मल्टीप्लाई कर दो आपको वहां की एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल जाएगी और सारे परसेंटेज सेम है तो नंबर्स को बिल्कुल बिल्कुल आप नॉर्मल नंबर्स की तरह एड सब्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है तो मैं अब जरा आपको क्विकली दिखाता हूँ कि जो भी सवाल हैं वो कैसे जल्दी हो सकते हैं ठीक है इसमें टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा तो ज़रा मैं इसको वापस छोटा कर दूँ ठीक है छोटा कर दिया मैंने और इसके बाद इसको हम करने की कोशिश करते हैं इन सवालों को अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है इसके बाद सब ऐसे फटाफट हो जाएंगे है ना तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है और ये पहला सवाल कैसे होगा मैं इसको ज़रा हटा दूं पहले है हाँ ना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ आराम से तो आपको देखिए डी में अगर कुछ काम करना है थोड़ा कैलकुलेशन पर काम करिए हो कैलकुलेशन में भी क्या थोड़ा सा एडिशन अच्छा हो सब्ट्रैक्शन अच्छा हो बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है डी में और कुछ नहीं होता है ये कह रहा है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आर वन टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाई स्टेट एक्स एंड आर टू टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाई स्टेट एच तो अब देखो आर वन जो है एक्स का वो कितना है आपका देखो ध्यान से आर वन टाइप का राइस एक्स स्टेट एक्स का ये है आपका ट्वेंटी एट पॉइंट एट है ना परसेंटेज माइनस और परसेंटेज मत लगाओ पता है हमको परसेंटेज ही है आर टू का एच निकालना है तो एच का आर टू निकालो जरा एच का आर टू आपका नाइन पॉइंट सिक्स है ना अब देखो ये सबसे बेहतर चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अब ये क्वेश्चन में क्या ही दम है कुछ नहीं ये नाइनटीन पॉइंट टू आ गया और आपको पता है ये परसेंटेज में है और जो एक परसेंट है वो सिक्स टू फाइव जीरो के बराबर है लेकिन ध्यान से देखना ये मल्टीप्लाई में टाइम बर्बाद नहीं करना आपको एक चीज और ध्यान होनी चाहिए कि परसेंटेज इक्विवेलेंट वन बाई सिक्सटीन का ना सिक्स पॉइंट टू फाइव होता है ये नंबर भी दिख रहा है कि नहीं सिक्स ट्वेंटी फाइव दिख रहा है तो सिक्स ट्वेंटी फाइव का मतलब हो गया वन बाई सिक्सटीन करना है ठीक है आप इस पर फोकस मत करो कि कि कितनी जीरोज हैं क्या है नहीं है मतलब इतना मुझे पता है कि वन बाई सिक्सटीन भी इसको लिख सकते हैं और हमें टेंशन इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि देखो हर एक ऑप्शन में शुरुआत की डिजिट डिफरेंट है मुझे वही देखना है और आंसर लगा दूंगा मैं इसलिए मैं इसमें सिक्स ट्वेंटी फाइव को है जो है सीधे सीधे वन बाई सिक्सटीन लिखने जा रहा हूँ कि मुझे लिखना तो चाहिए था कि वन परसेंट इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव जीरो बट मैं उसको प्रेफर क्या कर रहा हूँ वन बाई सिक्सटीन लिखना ठीक है क्योंकि मुझे पता है कि उसका इक्विवेलेंट जो है कुछ न्यूमरेटर में आएंगे ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन के बाद ज़ीरो 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 और सिक्सटीन आ जाएगा नीचे है ना तो ये आया अब जैसे ही आया मुझे इसका आंसर साफ साफ दिख गया कि क्या है आपको अगे कैसे भाई सिक्सटीन इंटू ट्वेल्व क्या होता है आपका वन नाइन्टी टू हो गया ना आंसर कि ट्वेल्थ से शुरुआत होगी मेरे आंसर की ठीक है ट्वेल्थ से शुरुआत होगी क्योंकि ये वन नाइन्टी टू है अब वो जीरो जीरो बाद में लगेंगे ना वो लगा लो लेकिन जिसमें शुरू में बारह ही नहीं आएगा वो आंसर कहाँ से हो जाएगा ठीक है तो इसलिए ये आंसर आपने मार्क कर दिया अब देखिए हमें इस टेबल की बार बार जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि इसके बिना तो सवाल लगने वाले नहीं है अगला सवाल होगा लेकिन वहाँ ये टेबल भरी हुई नहीं होगी ठीक है तो या तो हमें वापस आके देखना पड़ेगा ठीक है और या फिर हमें इस टेबल को वहाँ ले जाना पड़ेगा तो वापस आके हम देख लेंगे ठीक है तो जरा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज बाय एक्स एंड टी तो एक्स और टी का टोटल हमें मेज प्रोडक्शन निकालना है एक्स और टी का और कह रहा है कि आर टू टाइप का जो राइस है एस और आर का तो आर टू टाइप का जो राइस है वो हमें निकालना है एस और आर का तो आप ये ध्यान रखो एक्स और टी का मेज़ चाहिए हमें और एस और आर का हमें क्या चाहिए आर टू चाहिए तो मैं वापस आ रहा हूँ ठीक है यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो हमें क्या चाहिए दूसरे सवाल के लिए दूसरे सवाल के लिए हमें चाहिए एस और टी का मेज़ एक्स और टी का मेज़ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि गलती ना हो एक्स और टी का मेज़ और हमें चाहिए यहाँ पर आर और एस का या एस और आर का आपका आर टू टाइप का सम निकालना था कि डिफरेंस सम निकालना है सम ऑफ द टोटल तो ये प्लस करना है ठीक है अब जरा देखो जान से आपको जाते हैं मेज प्रोडक्शन में तो मेज तो डायरेक्टली पता है मुझे कि एक्स और टी निकालना है तो एक्स और टी मुझे साफ साफ यहाँ से दिख रहे हैं इन दोनों का सम कितना है सेवेंटी फोर और फिफ्टी टू आपका है वन ट्वेंटी सिक्स परसेंटेज मत लगाना पता है आर और एस का मुझे आर टू चाहिए तो आर टू ये है आपका और आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए सेवन पॉइंट टू है और एस की वैल्यू क्या है आपका नाइन पॉइंट सिक्स है तो इसका सम निकाल लो ये कितना हो गया सिक्सटीन पॉइंट एट इसको सम कर लो आपको क्या मिल रहा है ये मिल रहा है मुझे वन फोर्टी टू पॉइंट एट अब मुझे पता है कि एक्चुअल कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है मुझे वन बाई सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करना है ठीक है अब आंसर तुरंत मिल जाएगा मुझे तो अब ये वन फोर्टी टू पॉइंट एट समझना मैंने किया क्या है एक्स और टी मेज लिखा है ये लिखा है आर और एस मैंने आर टू लिखा है तो ये आर हो गया ये एस हो गया इनका आर टू का सम लिखा हुआ है ठीक है वन फोर्टी टू पॉइंट एट आ चुका है वन फोर्टी टू पॉइंट एट लेकर धर जाता हूँ अब वन फोर्टी टू पॉइंट एट मैंने यहां लिया जैसे ही मैंने यहां लिया आपको पता है इसको एबसलूट में कन्वर्ट करने के लिए वन बाई सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करोगे पता है मैं कुछ नहीं करूंगा मैं सीधा आंसर मार्क कर दूंगा कैसे कैसे किया मैंने आप जरा ध्यान से समझो कि ये जो वैल्यू है ना रफली जरा समझो इसको ये वैल्यू अगर मैं एक सौ चौवालिस ले लूँ तो ये कितना बनेगा नाइन बनेगा कि नहीं नाइन यानी मेरा आंसर नाइन से शुरू हो जाएगा लेकिन एक सौ से बहुत थोड़ा सा कम है तो बहुत थोड़ा से से कम है तो एक्चुअल डिवीजन मुझे एट पॉइंट समथिंग दे देगा लेकिन नाइन के बहुत करीब होगा क्योंकि ये बहुत कम है एक तो सौ के बिल्कुल पास में तो आंसर मेरा के बिल्कुल पास होगा पर नाइन से थोड़ा कम होगा तो यही आंसर होगा एट नाइन टू फाइव डबल जीरो एक बार वो टेबल भर गई है फिर देखो इस क्वेश्चन में क्या ही बचा हुआ है कोई दम ही नहीं लग रहा है फटाफट क्वेश्चन होते जा रहे हैं ठीक है थीके? अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है देखो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ आर थ्री टाइप प्राइस बाई एक्स इज वॉट परसेंटेज ऑफ आर वन टाइप प्राइस ऑफ एस ठीक है परसेंटेज निकालना है आर थ्री एक्स और आर वन एस बेस क्या है ये बेस है तो मैं ले जा रहा हूं आपको आर थ्री एक्स और आर वन एस ठीक है मैं लिख रहा हूं देखो ये कह रहा है आर थ्री आप निकालो एस का और आर वन आप निकालो एक्स का ठीक है यही था ना देख लो यहाँ पर नहीं x ऊपर है और s नीचे है तो मैं जरा तो इसको सही कर दू ये वैल्यू है तो r3 का जरा x निकालना आप R3 का x r3 का x आप देखोगे तो आप कहोगे ये तो दिया है 12 तो यहाँ मैंने 12 लिख दिया और r1 का s निकाल लो जरा r1 का s आपका है 26.4 ठीक है तो 12 अपान ट्वेंटी हो गया उधर ही चलते हैं तो ट्वेल्व अपान ट्वेंटी हो गया अब आपको परसेंटेज निकालना है सर आप कैलकुलेट करते रहो मैं आंसर मार्क कर दूँगा कैसे किया मैंने देखो साफ साफ दिख रहा है कि पचास परसेंट से कम है साफ साफ दिख रहा है और ये भी पता है कि चालीस परसेंट से ज़्यादा है कैसे आप ज़रा देखो इस नंबर को इसको आप जरा ट्वेंटी सेवन मान लो थोड़ी देर के लिए मैं बोल रहा हूँ ट्वेंटी सेवन मान लो चलो ट्वेंटी सेवन अगर आपने मान लिया इसको तो जरा फोर से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा ट्वेंटी सेवन फोर आप करोगे डबल करोगे फिफ्टी फोर आएगा फिफ्टी फोर का डबल वन जीरो एट होता है टेन पॉइंट एट होता है सत्ताईस मानने के बाद भी चालीस परसेंट बारह नहीं पहुंचा कम ही रह गया यानी ये चालीस परसेंट से ज़्यादा है क्योंकि बेस तो और कम है और पचास परसेंट आपको पता है किसी भी नंबर का आधा होता है थर्टीन पॉइंट टू होता है थर्टीन पॉइंट टू से कम है ठीक है तो बीच में है अब सवाल उठा बीच में है तो कहाँ है अब देखो जरा इसका फिफ्टी परसेंट निकालो तो ये थर्टीन पॉइंट टू हो गया ये वन पॉइंट टू और कम करना है इसको अब जरा बताओ 1.2 अगर कम करना है तो इस नंबर का जो 10 परसेंट है वो कितना है 2.64 है अगर मुझे 1.2 1.2 कम करना है तो आप कहोगे कि जो 5 परसेंट होगा 50 परसेंट लिखा ना, है ना हमने 5 परसेंट वन है यानी 5 परसेंट से कम कम करना पड़ेगा थोड़ा सा मे बी चार से पाँच परसेंट के बीच में कम करना पड़ेगा तो चार से पाँच परसेंट के बीच में कम करना पड़ेगा तो आंसर आपका पैंतालीस के आसपास होगा एक ही आंसर है मार्क कर दो क्योंकि तो एक जो चालीस के ऊपर का ऑप्शन है वो तो आपका बयालीस दशमलव पांच है वो सही नहीं हो सकता ठीक है तो ये हो गया ठीक है अब जरा देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें तो ये आपका कोई दिक्कत नहीं हो रही एक बार टेबल कंप्लीट है क्वेश्चन में कोई दमी नहीं है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया सिक्सटी वन अच्छा ही करने से चलो कोई नहीं ये भी करा देता हूं है ना यह कहना है आपको एवरेज निकालना है आर थ्री टाइप का राइस का एच आर एस एक्स एच आर एस एक्स मतलब आखिरी वाला छोड़ के आर थ्री का जो बाकी है उस कब का एवरेज चाहिए और कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन आर टू टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट टी एंड आर वन टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट आर देखो क्या निकालना है मैं समझाता हूँ आपको बी माइनस ए निकालने को बोल रहे हैं जहाँ बी इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि बी है आपका डिफरेंस बिटवीन आर टू टी एंड आर वन आर इसका डिफरेंस निकालना है मुझे और जो मेरा ए है ए इन्होंने डिफाइन किया है कि जो एवरेज है राइस का आर थ्री टाइप का ठीक है आर थ्री टाइप का राइस निकालना है मुझे फॉर वुच स्टेट फॉर एच आर एस एक्स ऊपर से चार तो ये ध्यान रखो बस आर टू टी और आर वन आर मैं यहाँ जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ आर टू टी चाहिए मुझे आर टू टी आपका देखो दिख रहा है वन पॉइंट टू ठीक है और आर वन आर आर वन आर कहाँ गया भाई देखो जरा आर वन निकालो आप आर टाइप का तो ये आपका ट्वेंटी टू पॉइंट एट ट्वेंटी टू पॉइंट एट का आप वन पॉइंट टू से जरा डिफरेंस निकालना तो कितना आ जाएगा आपका ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स आ जाएगा तो ये वैल्यू जो आपको दी हुई है ये वैल्यू आपको मिल गई ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स ठीक है एवरेज निकालना है इसका आर थ्री का एच आर एक्स एस एच आर एस एक्स का एवरेज ठीक है आर थ्री का ये देख लेना आप आर थ्री का एवरेज निकालना है तो हम आर थ्री वाले कॉलम में जाके एवरेज निकालेंगे तो ये आर थ्री वाला कॉलम है और एच आर एस एक्स क्या है ये ऊपर से चार हैं तो इनका एवरेज निकालना है तो देखो निकालते हैं ज़रा 17 है आपका ये आपका एट हो गया ट्वेंटी फाइव हो गया और ये चौबीस फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स आ गया फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स चार एलिमेंट का एवरेज आप निकालो जरा ट्वेल्व पॉइंट फोर ठीक है फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स बाई फोर कितना होता है ट्वेल्व पॉइंट फोर तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ मैंने लिख दिया ट्वेल्व पॉइंट फोर ठीक है बहुत ही आसान है तो इसका डिफरेंस कितना आ गया नाइन पॉइंट टू अब ये अगर 9.2 आ गया तो एप्सोलूट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे 1 बाई सिक्सटीन से डिवाइड करोगे 1 बाई सिक्सटीन से डिवाइड करोगे देखो कैसे आएगा आपका तो सिक्स आप यहाँ जाओगे फाइव टाइम्स फर्स्ट है ना तो आप एट के आसपास पास पहुँचोगे वन बचेगा सेवन टाइम्स जाओगे राइट सेवन टाइम्स जाओगे कि नहीं जाओगे एक बचा ना उसके बाद तो सेवन टाइम्स गए तो एट बचा फिर आपका ये आ गया फाइव सेवन फाइव से शुरुआत होगी मतलब आपको बस यही तो डिजिट्स देखनी है देखिए सब में नंबर ऑफ़ डिजिट्स बराबर है आपको यही पता करना है कि नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है फाइव सेवन फाइव एक ही ऑप्शन में वही करेक्ट होगा तो मैंने क्या किया है कि ये नाइनटी टू को कह लो सिक्सटीन से डिवाइड करके शुरू के डिजिट्स देखिए तो फाइव सेवन फाइव आया यही करेक्ट होगा देखिए तो इतने बड़े बड़े सवाल ये लग रहे हैं ना ऐसे आपसे कभी नहीं होते लेकिन कितना आसानी से हो रहा है एक बार वो टेबल भरने के बाद और वो टेबल भरने का ही तो टाइम है वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करोगे तो फटाफट भरोगे जिस तरीके से मैंने बताया कैलकुलेट मेंटली कैसे करना है कि उसको मैंने मेंटली भरा मैंने उसमें पेन नहीं उठाया मैंने आपको समझाने के लिए पेन उठाया था बस कि कैसे करेंगे उसके बाद तो मैंने उसको बस ओरली बोलते बोलते भर दिया ठीक है एक सवाल और है वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वैल्यू इन्होंने डिफाइन किया है एफ एफ क्या है कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन आर टू का है ऑल स्टेट आर टू का ऑल स्टेट से प्रोडक्शन और फिर के क्या है एवरेज है आर वन टाइप के राइस का ऑल स्टेट तो ये ये टोटल प्रोडक्शन निकालना है आर टू का टोटल और एवरेज निकालना है आर वन का राइट right? ये करना है हमें तो मीनिंग ये है कि दोनों का टोटल टोटल निकाल लो और फिर इसका एवरेज निकल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट तो हमें पता है पाँच हैं टोटल है ना तो इसमें बाद में हम उसके टोटल से पाँच से डिवाइड करेंगे तो आर टू का टोटल और आर वन का टोटल चाहिए हमें पहले उसके बाद फिर जो भी होगा हम देख लेंगे तो ज़रा पहुँचते हैं यहाँ पर आर वन का टोटल और आर टू का टोटल निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए आर वन का टोटल जरा कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो देखिए ये चालीस और ये बाईस आप जोड़ोगे सिक्सटी टू मिलेगा ट्वेंटी एट आपका नाइन्टी हो गया ट्वेंटी सिक्स आपका वन वन सिक्स हुआ और ये ट्वेंटी हो गया आपका वन थर्टी सिक्स और ये एट फोर टाइम्स आ रहा है थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट सिक्स है ना तो ये आपका हो गया वन थर्टी नाइन पॉइंट और ये हो गया आपका सिक्स है ना अभी मैं इतना तेज़ी से कैसे ऐड कर रहा हूँ देखिए जैसे आपके लिए फाइव प्लस टू सेवन होता है ऐसे ही मेरे लिए फोर्टी ट्वेंटी टू सिक्सटी टू और ट्वेंटी एट नाइन्टी होता है और ट्वेंटी सिक्स वन वन सिक्स होता है मतलब मैं दो डिजिट नंबर्स को डायरेक्टली उसी स्पीड से ऐड कर सकता हूँ जितनी स्पीड से आप सिंगल डिजिट नंबर को ऐड करते हो तो मेरी स्पीड आपसे दुगना तो खाली उसी सेंस में होगी उसके बाद मैं प्रोसेसिंग भी बहुत तेज करता हूँ तो कुल मिला के ऐड करने में मुझे नंबर को जितना देखने में टाइम लगता है ऐसे ग्लांस करने में उतना ही टाइम सम करने में लगता है ठीक है तो वो आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा तो ये वन थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स हो गया आर वन का टोटल अब देखिए आर थ्री का टोटल निकालना है ठीक है R2 का टोटल निकालना है सॉरी तो R2 का अगर टोटल हम निकालने के तो देखिए कैसे निकलेगा 96 और 72 आपको दिया है तो ये आपका 168 हो गया 72 आपका हो गया 240 336 और 12 348 अब देखिए यहाँ पर आप क्या करते हो एक एक डिजिट जोड़ते हो मैं दो डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ तो दो दो अगर डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है मैं जल्दी करूँगा इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप भी करने लगोगे थर्टी तो मुझे R1 का टोटल 139.6 और R2 का टोटल क्या मिला 34.8 मैं इसको ले जा रहा हूं एक सौ उनतालीस दशमलव और चौंतीस दशमलव आठ ठीक है एक सौ उनतालीस दशमलव और चौंतीस दशमलव आठ मिला मुझे लेकिन इसका मुझे एवरेज चाहिए था तो एवरेज इसका अगर मुझे चाहिए तो आप क्या कहोगे इसको डिवाइड करोगे आप है ना तो ये अगर वन मान लो लगभग तो ये वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी आ गई एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो वो भी मुश्किल नहीं है क्योंकि पॉइंट फोर बाई फाइव कम कर दो आप तो पॉइंट जीरो एट कम हो जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन टू आ जाएगा बट स्टिल मैं इसी से काम चलाने की कोशिश करूंगा अब निकालना था क्या के बाई एफ़ के बाई एफ अगर आपको निकालना है तो ये हो गया आपका ट्वेंटी एट बाई थर्टी फोर पॉइंट एट ठीक है ये मुझे कैलकुलेट करना है कि ये किसके बराबर होगा है ना तो आप जरा ध्यान से समझें कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहता कि इसको थर्टी फाइव एज्यूम कर लेते हैं तो 28 और 35 अगर हम एज्यूम करते तो आप कहते कि सेवन फोर होता और ये होता सेवन फाइव ज़ा होता ये वैल्यू आपको पॉइंट एट के आसपास साफ साफ दिख रही है ठीक है तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी पॉइंट एट जीरो टू है ना क्योंकि तो एट्टी एट पॉइंट एट सेवन फाइव काफ़ी दूर है है ना पॉइंट एट सेवन और ये तो पॉइंट जीरो एट है सवाल ही नहीं उठता ये पॉइंट सेवन है हमने अगर इसको ट्वेंटी एट मान लिया और इसको हमने थर्टी फाइव मान लिया तो देखो ना कितनी आसानी से वैल्यू निकल गई फोर बाई फाइव है ना तो ये हो गया आपके डी का क्वेश्चन सारे इसमें ख़त्म ठीक है क्योंकि तो हाँ इतना ही है ठीक है इसके बाद आपका एरथमेटिक्स शुरू होता है सिक्सटी थ्री से हर पेपर में तो अब देखिए मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मैंने डीआई काफ़ी डिटेल में कराने की कोशिश करी ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि डी से क्यों नहीं डरना है डीआई का पूरा हल्ला उड़ा हुआ डी डीआई डी आई डी कैलकुलेशन करो थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बाकी ऐसा सेट में कुछ नया उन्होंने दिया ही नहीं मतलब सेट में स्टैंडर्ड सेट्स पकड़ा दिए हैं हर किसी में बेस सेम पकड़ा दिया एक ही तरह का सेट आया बस तो डिफरेंशिएटर आपका ये नहीं होगा कि आप कितने डीआई लगा लोगे डिफरेंशिएटर ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्किल कितनी अच्छी है है ना काम करिए मैंने आपको अपना थॉट प्रोसेस पूरा बताने की कोशिश करी है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो कैलकुलेशन से भागने की जरूरत नहीं है राइट यू कैन कैलकुलेट फेयरली वेल अगर आप उस पर काम करोगे तो ठीक है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं डी का सेट भी मैंने आपको करा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करोगे ठीक है ये वेल विद इन टाइम ये सेट हो जाता है बहुत मुश्किल नहीं था मतलब कैलकुलेशन छोटी मोटी है भी है कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है अब मुझसे बोझो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है आपको बस ठीक है